हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं अपना व्लॉग जो है ना गार्डन से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं चल रही हूँ अपने गार्डन से कुछ एक दो चीज़ें है ना हार्वेस्ट करने। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी वो शेयर करती हूँ कि क्या आज हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग क्या हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बजे हैं दोपहर के 12 और बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो बहुत सनी दिन है, धूप एकदम गर्मी अब यहाँ पे फुल ऑन आ चुकी है। तो बहुत धूप है और पैर जल भी रहे हैं यहाँ पे खड़े होने पे, इतना धूप है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या हार्वेस्ट करने चल रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है कॉलीफ्लावर जो कि रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए। एक्चुअली रेडी क्या, ये थोड़ा लेट हो गया, इसको पहले ही हार्वेस्ट कर लेना चाहिए था, बट मैं हार्वेस्ट करने में लेट हो चुकी हूँ। बट फिर भी इसको आज मैं हार्वेस्ट करूँगी और इसका बनाएंगे हम लोग गोभी का पराठा। तो ये गोभी जो है ना रेडी है, तो आप देख सकते हैं कितने छोटे से डब्बे में लगा हुआ है और उसमें इतनी बड़ी हम लोग को गोभी मिली है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये घर की उगाई हुई ऑर्गेनिक गोभी है, तो इसको आज हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये है कुकुम्बर, तो ये भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो एक यहाँ पे है और एक जो है यहाँ पे है, ये भी रेडी है। देखिए दो कुकुम्बर रेडी है और ये वाला भी चाहे तो हार्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी रेडी है, तो मैं इसे भी कर लूँगी हार्वेस्ट। तो तीन हम लोग हार्वेस्ट करेंगे और एक यहाँ पे रेडी हो रही है। तो और भी हैं जो ऊपर ना और भी रेडी हो रही है, तो अभी फ़िलहाल तीन हम लोग कुकुम्बर भी हार्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे है पीस, तो कुछ पीस भी हार्वेस्ट करेंगे। मेरा बेटा जो है ना ऐसे ही कच्चा तोड़ के खाता है, उसको अच्छा लगता है ईशान को, तो ये भी कुछ हार्वेस्ट कर लेंगे। तो पीस भी रेडी है। तो अब चलिए कॉलीफ्लावर जो है ना उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। आर यू रेडी टू हार्वेस्ट एंड कुकुम्बर? व्हाट यू वांट हार्वेस्ट टुडे? व्हाट इज दिस? कॉलीफ्लावर। एंड व्हाट एल्स यू वांट हार्वेस्ट टुडे? कुकुम्बर। Where is cucumber? Show me. Show everyone where is your cucumbers. This one and okay. Right there and right there. Okay, we'll harvest it. तो चलिए हम लोग cucumber cucumber और जो cauliflower है ना उसको harvest कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने हार्वेस्ट कर लिया है, तो आज की हार्वेस्ट है ये कॉलीफ्लावर और ये तीन कुकुम्बर है और कुछ ये पीज हैं। तो आज की ये हार्वेस्ट है हम लोग की। तो अब चलिए चलते हैं और इसका कॉलीफ्लावर का मैं बनाऊंगी आज गोभी का पराठा। तो इस गोभी का हम लोग चलिए बनाते हैं पराठा। तो यहाँ पे ना मैंने और भी कॉलीफ्लावर लगाए हैं, ये इस ग्रो बैग में मैंने, यहाँ पे तीन पेड़ और हैं इसमें। तो इस ये सब में अभी बनना जो है ना कॉलीफ्लावर स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी इसमें स्टार्ट होगा। और यहाँ पे एक और है, तो इनमें भी अभी स्टार्ट हुआ नहीं है बनना। और एक जो है ना यहाँ पे है, तो इसमें जो है ना अभी कॉलीफ्लावर बनना जो है ना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखो अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे इसमें देखिए बनना जो है ना कॉलीफ्लावर स्टार्ट हुआ है। तो ये कुछ दिन में ये भी रेडी हो जाएगा हार्वेस्ट करने के लिए। तो अच्छा है कि आगे पीछे सब बनना स्टार्ट हो रही हैं, तो आगे पीछे मुझे मिलेगा हार्वेस्ट करने के लिए। अगर एक साथ हो जाएंगे तो एक साथ खा भी नहीं पाएंगे, तो बेटर है कि सब आगे पीछे हार्वेस्ट करने मिलेगा। तो अभी वो वाला मैंने हार्वेस्ट किया ना, अभी इसके बाद ये वाला रेडी होगा, फिर इसमें से रेडी होंगे। तो यहाँ पर है कॉलीफ्लावर
तो अभी हम लोग की यहाँ पे ना रेडिश है, ये भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है, इसको भी हार्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे ये रेडिश भी रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत सारी इसमें रेडिश बन चुकी हैं। तो इसको अब जो है ना इसको भी हार्वेस्ट करना है। बास तो मैंने गोभी हार्वेस्ट कर ली है, तो इसको अब मैं कल हार्वेस्ट करूँगी। तो होगा तो मैं इसकी क्लिप जो है ना आज ही आज के ही वीडियो में ऐड कर दूँगी एंड में। तो इसको भी हार्वेस्ट करेंगे कल और इसका भी बनाएंगे मूली का साग। तो लंच बनाने स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग ने हार्वेस्ट किया है फ्रेश सब चीज़, तो उसको पहले खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने बेटे को मटर जो है उसको छील के दे दे रही हूँ, वो खाएगा, उसे ऐसे अच्छा लगता है बहुत खाने में। और मैं और हस्बैंड जो है ना, हम लोग जो कुकुम्बर हम लोग ने हार्वेस्ट किया है तो उसको हम लोग पहले खा लेंगे नमक लगा के। तो नमक लगा के एकदम फ्रेश कुकुम्बर खाने का ना अलग ही एकदम टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो पहले हम लोग खा लेंगे, उसके बाद मैं अपना लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे जो गोभी है ना उसको मैं पहले अच्छे से साफ कर लूंगी। तो गोभी को साफ कर लिया है, उसको थोड़ा टाइम रख दिया, उसका पानी थोड़ा सा झड़ गया है। तो अभी मैं उसको जो है ना ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूंगी सारी गोभी को। तो हम लोग को एकदम बारीक वाले ग्रेटर से नहीं करना है, थोड़ा बड़ा बड़ा ही ग्रेट करना है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है गोभी को, और यहाँ पे मैंने एक जिंजर का टुकड़ा लिया है। तो मैंने बड़ा टुकड़ा लिया है, मैं पूरा नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा जिंजर मैं इसमें ग्रेट कर लूँगी। तो जिंजर को भी हम लोग ग्रेट कर लेंगे इसके अंदर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ ली हैं और वो कट करके उसको भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पैन में जो है ना मस्टर्ड ऑयल लिया है, और जब तेल जो है ना गर्म हो गया है तब उसमें मैंने डाला है जीरा, और फिर उसके बाद मैंने ग्रेटेड जो गोभी है उसको डाल दिया है। और उसको सबको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक मसाले इसमें डालेंगे, जैसे मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, रेड चिली पाउडर डाल दिया है, और मैंने गरम मसाला डाल दिया है। तो अगर आपको गरम मसाला नहीं डालना है तो आप जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें यहाँ पे डाल दिया है टेस्ट के अनुसार नमक। तो हम लोग को गोभी को जो है ना बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा ही कुक करना है। और एट द एंड जो है ना मैं यहाँ पर अजवाइन भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि पराठा वगैरह में अजवाइन डालते हैं तो सही रहता है। तो आप चाहे तो अजवाइन को ना आटे में मिक्स कर ले, या उसमें स्टफिंग में भी डाल सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, यहाँ पे मैं आटा जो है ना वो भी गून के तैयार कर लूँगी पराठों के लिए। तो अगर आपके पास हरा धनिया है ना तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं स्टफिंग में, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा जो है ना गून के एकदम रेडी है, तैयार है पराठा बनाने के लिए। तो अब मैं चलिए यहाँ पर पराठा बना लेती हूँ। तो गोभी का पराठा जो होता है ना थोड़ा मोटा ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है और उसमें मैं 2 चम्मच जो है ना स्टफिंग डाल दे रही हूँ, और फिर उसको फोल्ड करके आप देख रहे हैं कैसे मैं कर रही हूँ, उस वैसे ही हम लोग इसका पराठा बना के जो है ना रेडी कर लेंगे बेल के। तो पराठे को बेलने के लिए ना इसमें हम लोग थोड़ा सा सूखा जो आटा होता है ना उसको थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, तो उससे क्या होता है कि पराठा बेलते वक्त जल्दी फटता नहीं है। और फिर उसको हम लोग नरम हाथ से, हल्के हाथ से, ज़्यादा दबाएंगे नहीं और से उसको बेल लेंगे। और गोभी का पराठा जो थोड़ा मोटा ही बनाया जाता है, पतला नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे मैं जो पराठा है ना उसको सेक ले रही हूँ दोनों तरफ से तेल लगा के, और फिर हमारा पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आप चाहो तो पराठों को जो है ना तेल की जगह पर आप घी भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं तो ऑयल ही पसंद करती हूँ तो मैं ऑयल ही लगा रही हूँ। आप चाहें तो घी में भी सेक सकते हैं पराठों को। तो ऐसे ही करके मैं जो है ना सारे अपने पराठे जो है बना के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे पराठे सेक लिए हैं मैंने। तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों से लंच करने के बाद। तो लंच वगैरह फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे थोड़ा सा एडिटिंग का काम था तो मैं वो कर रही हूँ। तो दोपहर में जो है ना मुझे सोना पसंद नहीं है, मैं दोपहर के टाइम पे जो अपना काम होता है ना, जैसे मुझे अगर एडिटिंग करनी होती तो वो कर लेती हूँ मैं, या तो फिर कुछ अगर मूवी वगैरह देखना होता है तो, या मेरे बेटे के साथ कुछ प्ले करना है, कुछ एक्टिविटी करना है, तो मेरा दोपहर जो है ना इसमें ही बीतता है।
तो यहाँ पे मैं जो थोड़ा टाइम मैंने एडिटिंग किया और फिर थोड़ा टाइम मैंने कुछ वेब सीरीज़ लगाई थी देखने के लिए। उसके बाद मेरा बेटा जो है ना उसने बोला मुझे कार्टून देखना है, तो अब उसका कार्टून हम लोगों ने लगा लिया है टीवी पे। और मैं अपने जो लॉन्ड्री के कपड़े थे ना वो फोल्ड करने थे, तो मैं अभी वही बैठ के उसको भी फिनिश कर ले रही हूँ। अभी हम लोग ना सोसाइटी के प्ले एरिया में आए हैं, मैं ईशान को लेके आई हूँ। वो थोड़ा प्ले कर रहा है, वो वहाँ पे प्ले कर रहा है, तो थोड़ा टाइम ये प्ले कर लेगा फिर हम लोग घर जाएंगे। वो वहाँ पे प्ले कर रहा है, थोड़ा टाइम ये खेल लेगा फिर हम लोग घर जाएंगे। ये मैंने आप लोगों से ना अपने सोसाइटी का डिटेल टूर शेयर किया है कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन पे भी ऊपर यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे सोसाइटी में आ जाएगा, ऐसे बैठने का भी बना हुआ है और ग्रिल वगैरह बना हुआ है, तो अगर समर में सब लोग यहाँ पे ग्रिलिंग वगैरह करते हैं तो हर जगह ग्रिलिंग के लिए बना हुआ है, तो आप समर में आके ग्रिल वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे बना हुआ है ग्रिल और बेंच वगैरह यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो ऐसे हर जगह पे पॉइंट पॉइंट पे बना हुआ है बैठने के लिए और ग्रिलिंग करने के लिए। तो प्ले एरिया में थोड़ा टाइम प्ले करने के बाद हम लोग घर पे आ गए हैं, तो अभी टाइम जो है ना वो इवनिंग स्नैक का है। तो इवनिंग स्नैक में मैं बना रही हूँ फ्राइड इडली। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पैन में ऑयल और उसमें मैंने मस्टर्ड सीड डाल दिया है और करी लीफ डाल दिया है और ग्रीन चिली। और जब सारे चीज़ें स्प्लटर हो गई हैं तो मैंने यहाँ पे ऑनियंस को क्यूब्स में काट लिया था और उसको मैंने डाल दिया है। उसके बाद जब ऑनियन थोड़ा सा फ्राई हुआ है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर सारे वेजिटेबल्स को ना हम लोग को इसमें क्यूब्स में काट के लेने हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है फ्राइड इडली में। तो टमाटर थोड़े से कुक हो गए हैं तब हम लोग इसमें बेसिक मसाले जो है ना वो डाल देंगे। तो मसालों में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है रेड चिली पाउडर और इसमें मैं डाल रही हूँ ये एवरेस्ट का सांभर मसाला, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है एकदम फ्राइड इडली का। तो अगर आपके पास भी लेफ़्ट ओवर इडली बची हो ना फ्रिज में तो आप इसको ऐसे फ्राइड इडली बना के खा सकते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाला कैप्सिकम भी ले लिया है, उसको भी हम लोग क्यूब्स में कट कर लेंगे और उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको भी थोड़ा टाइम कुक करना है, कैप्सिकम को ओवर कुक नहीं करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है इडली जो थी ना उसको भी मैंने चार 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 के टुकड़ों में कट कर लिया है और उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर यहाँ पे डाल देंगे सॉल्ट। तो अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट। तो और इसको भी सबको अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा जो ये फ्राइड इडली है ना ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आप इसको ना नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो या तो आप केचप के साथ भी इसको खा सकते हो, तो केचप के साथ भी ये बढ़िया लगता है, तो हम लोग तो केचप से ही खाते हैं।
तो ये जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, जब मैं अपनी मूली जो है ना हार्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा बेटा जो है ना वो हार्वेस्ट कर रहा है मूली, उसे बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़ गार्डन से हार्वेस्ट करने में। तो मैं सारी मूली जो है ना उसको हार्वेस्ट कर लूँगी और इसका हम लोग बनाएंगे मूली का साग। तो अपने गार्डन से ना फ्रेश वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करना और उसको कुक करके खाना ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो इसी के साथ मैं आज की जो वीडियो है ना उसको यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।